से महान पर्व है छठी माता का हाँ। आवाहन किया जाता है आज का दिन, और 4 दिन व्रत आदमी निर्जला रहता है। बिहार का बड़ा पर्व है ना, बिहार का बड़ा पर्व है तो मनाना है, यही तो रीति रिवाज है, इसको निभा के चलना है। प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की जय। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, नहा खाए से ये पर्व जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में देखिए जो छठ व्रती हैं वो गंगा स्नान के लिए पटना के जेपी सेतु घाट पर पहुंच रहे हैं, और किस तरह से व्यवस्था की गई है, गंगा का जल भरकर लोग घर पर ले जा रहे हैं और आज इसका प्रसाद बनाएंगे। क्या कितने बजे आए थे गंगा जी? बस हो गया, घंटा हो गया है, भीड़ था, अब काफी भीड़ है, भीड़ काफी है। आज से छठ की शुरुआत हो गई, पूरा परिवार लोग सब एक साथ आ गए हैं, मतलब हाँ सब सम्मिलित हो चुके हैं और नहाए खाए हैं, और आज से पर्व स्टार्ट हो चुका है। कल खरना है, परसों पहला रह गया, उसके बाद दूसरा रह गया। परिवार में कौन लोग छठ कर रहे हैं? छठ में हम लोग दीदी कर रही है। क्या कहेंगी, छठ पूजा शुरू हो गया, कितना इस पल का इंतजार रहता है इस दर्शन का? कुछ बोले, पार लगाए छठ मैया, गंगा जी आई, क्या करेंगी फिर उसके बाद? उसके बाद जाएंगे, पूजा करेंगे, चाय खाए, बोलो ना, आज निहाय खाए हैं, कल आवेंगे खरना के, आवेंगे निहाय खाए करे हैं, खरना के कल आवेंगे। नहा खाए में क्या क्या बनता है प्रसाद? प्रसाद में वही अथी गोभी आलू दाल बनेगा, बूट का दाल बनेगा, चावल बनेगा, घी रहेगा, बचका बनेगा, कद्दू का भी बड़ा, कद्दू का बचका वहाँ बनेगा, कद्दू ना का दाल बनेगा। हाँ, पूरा परिवार, पूरा परिवार खाएंगे, आप लोग भी आके खा लीजिएगा, मीडिया लोग अभी चल। लाइव इंडिया की टीम को भी आमंत्रण कर दिया गया है छठ व्रतियों की तरफ से, और इस वक्त गंगा घाट का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, और कई महिलाएं यहां पर गुजर रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छठ पूजा शुरू हो गया आज से, क्या कहेंगी, कितना इस पल का इंतजार रहता है? बहुत ज्यादा ही। कौन लोग कर रहे हैं परिवार में? मेरी मम्मी कर रही है। मम्मी हर साल करती है? हाँ, हर साल करती है। गंगा जी का स्नान हो गया? हाँ, जलवल भर के। हाँ, जलवल। आज क्या बनेगा प्रसाद में? आज यही कद्दू भात और ये मूली का साग का सब्जी। पूरा परिवार सब लोग एकजुट होते हैं इस पर। हाँ, कहाँ से आई हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से ही? हाँ, बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं? हाँ। पटना में रहती हैं? हाँ। तो जब अर्घ देने का वक्त आएगा तो यही आएंगी इस घाट पर? हाँ, इसी घाट। व्यवस्था कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है व्यवस्था, पूरा व्यवस्था है ना, प्रशासन प्रशासन बहुत अच्छे से व्यवस्था किए हुए हैं, पूरी व्यवस्था दिख रही है। हाँ। तो देखिए छठ व्रती जो है, इस वक्त गंगा घाट का नजारा हम दिखा रहे हैं, गंगा घाट पर काफी भीड़ है और लोग धीरे धीरे गंगा का जल भरकर वो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पल का इंतजार लोगों को रहता है, इस क्षण का इंतजार बेसब्री से रहता है। लोक आस्था का महापर्व जो है वो छठ घाट के लिए खास तौर पर जाना जाता है, और छठ घाट का एक अलग ही महत्व है। तो घाटों पर, गंगा घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। बात करें पूरी व्यवस्था, तो चाक चौकबंद व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगाए गए हैं गाड़ी लगाने के लिए भी, और जो है वॉच टावर बनाया गया, लाइट लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई भी व्यवस्था में चूक ना रह जाए, इसको लेकर खासतौर पर ख्याल रखा गया है। जगह जगह पर जो है नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, पूछताछ काउंटर भी बनाए गए हैं, तमाम चीजों को लेकर देखिए जो छठ व्रती हैं वो गाड़ी से भी पहुंच रहे हैं, पैदल भी पहुंच रहे हैं, नंगे पांव लोग गंगा घाट तक आते हैं और उसके बाद जो है यहां से जल भरकर सीधा परिवार के लोग के साथ जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? गंगा स्नान करके। आज क्या होगा? आज तो नहा खा है। नहा खाए में क्या क्या बनेगा प्रसाद में? प्रसाद में जन्म योग बनता है, क्या लौकी का सब्जी, चावल, चना का दाल का। परिवार में कौन लोग कर रहे हैं छठ? सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग मतलब कौन कौन परिवार? मम्मी पापा, मिसेज। हर साल करते हैं? हर साल करते हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं? हमको करीब करीब 11-12 साल हो गए। 11-12 साल। देखिए पूरा परिवार एक ही बाइक पर सवार होकर जो है गंगा घाट पहुंचे हैं, और अब स्नान करके सीधा वो घर जाएंगे, और उसके बाद जो है कद्दू भात की जो परंपरा है वो बनाएंगे। माता जी छठ कर रही है? हाँ। कितने साल से करती हैं? 9 साल से। 9 साल से कर रही हैं। अभी गंगा जी आई हैं। हाँ। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से नहाने के बाद यहाँ जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्रसाद में? प्रसाद में कद्दू, कद्दू चावल। हाँ। कद्दू चावल। हाँ, हाँ। पूरा परिवार सब लोग आ गया है? सब आ गया है। सबको बुला ली है? कौन आया है परिवार में आपके? सब परिवार में 2 लड़की है, 2 लड़का है। 2 लड़का है, सबको बुला लिया है। यही एक ऐसा पर्व है जो सबको बुलाना पड़ता है, सबको आना पड़ता है, लोग ना चाह कर भी लोग आ जाते हैं। पर्वों से महान पर्व है, सब पर्वों से महान पर्व है छठी माता का आवाहन किया जाता है आज का दिन, और 4 दिन व्रत आदमी निर्जला रहता है। कल आज
पहला दिन है, आज नहा खा है, कल खरना है, पर शाम में परसों संध्या अर्घ है और सुबह में बीस मैंने ये है पढ़ना है। पूरा परिवार सब लोग आ गए हैं? हाँ, हमारे यहाँ सब पूरे परिवार लोग आए हैं। परिवार में हमारी पत्नी कर रही है, हम भाभी है और सब हैं, सभी लोग सब परिवार। चलिए तो आपसे भी बात करते हैं। माता जी कितने सालों से कर रही हैं? हमारा 5 साल से कष्टी कर रहे थे, अब हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, परिवार में पहले भी लोग करते थे? पहले हमारी जेठानी लोग करती है, हमारी सासू माँ भी करती थी, लेकिन हम कष्टी करते थे। आदि तो अब हमारा पूरा कर दिए है, तो हम जोड़ा सुख से उनका उठा रहे हैं, मनोकामना पूरा हो गया। हाँ। तो बाबा इस बार छठ मैया पूरा कर दिए, तो इस बार छठ उठा लिया, आगे भी करेंगे तो और आगे भी बढ़ते ही चला जाए। चलिए तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद छठ मैया ने पूरा कर दिया है। लोग जो छठ व्रती हैं वो देखिए गंगा जल भरकर कहां से आ रही हैं, अभी कहां गई थी? गंगा जी, गंगा स्नान हो गया। कितने बजे आई थी? 7 बजे। 7 बजे आई, इतना लेट जा रही है तो मैंने भीड़ भी है गंगा जी में, बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ है। कौन कर रहा है परिवार में छठ? आंटी कर रहे हैं, दीदी कर रहे हैं। आपकी दीदी है? हाँ, तो कितने साल से कर रही हैं? 20 बरस से कर रही हैं। 20 बरस से? हाँ, बहुत समय से कर रहे हैं। क्या मनोकामना लेकर छठ मैया से इस बार भी पूजा कर रही हैं? वो बाबू लिए, हमारे बाबू नहीं है तो। अच्छा, बाबू नहीं है तो बाबू चाहिए, तो यही हो गया, माता दे दी पूरा कर दी छठ मैया, तो इस बार भी कर रहे हैं उसी मनोकामना को पूरा कर। तो कहने का मतलब पूरा परिवार आ गया है, सब लोग को बुला लिए हैं? कहाँ कहाँ रहता है सब परिवार आया है छठ में? लोग बताइए, इंद्रपुरी में। इंद्रपुरी में तो भीड़ है गंगा पे? तो यहीं पे आना है शाम में अर्घ देने के लिए? यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। अब एक माता से महाराज मांग रहे हैं कि एक तो बच्ची है मेरे, इसी मैंने उसको अभी नहीं कुछ संख्या हुआ है, भगवान माता दे देंगे तब बहुत धूमधाम से फेन करेंगे। अच्छा, यही माता से अर्ज मांग रहे हैं। तो देखिए माता से यही कामना कर रही है, छठ मैया से कामना कर रही है कि मेरा पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो। कहीं ना कहीं अलग अलग मनोकामना लेकर लोग पहुंचते हैं और देखिए लोग पूरा परिवार गंगा घाट पर पहुंच गया। मस्ती अभी से अभी जी अभी लेट पहुंची आप? लेट हो गया, थोड़ा घर का काम में हम लोग बिजी हो गए थे। नहाने खाने की प्रक्रिया थोड़ा सा अच्छा आई आप? लगता है कहीं बाहर से आई है? नहीं, हम पटने के हैं रहने वाले। हाँ, ये सब हम लोग, ये मेरी ननद है, ये हैदराबाद फैमिली, ये हैदराबाद से आई है, ये मेरी भांजी है गांव से आई है, ये फर्स्ट टाइम कर रही है, हैदराबाद से आई है, हैदराबाद से आई है। कैसा लग रहा है छठ में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पल का इंतजार कितना दिन से रहता है कि हाँ छठ आएगा तो पूरा परिवार हम लोग एकजुट होंगे? बहुत दिन से रहता है। छठ कर रही है हैदराबाद से आकर के। अच्छा, छठ भी कर रही है? बहुत अच्छा, छठ कर रहे हैं आप भी? कर रहे हैं भैया? पूरा परिवार एकजुट हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इस मौके का इंतजार तो रहता है कि नहीं, कहीं भी रहे लेकिन बिहार जरूर आएंगे। बिहार का बड़ा पर्व है ना? हाँ। बिहार का बड़ा पर्व है तो मनाना है। हाँ। यही तो रीति रिवाज है, इसको निभा के चलना है, इस संस्कृति को भूलना नहीं, भूलना नहीं। अपना पर्व जो ये महापर्व है ये हमेशा अपना मनाना चाहिए, कहीं भी रहो अपने परिवार के साथ आ जाओ, किसी कोने में रहिए। और इसको यहाँ पे इसको राष्ट्रीय पर्व का घोषित करना चाहिए, मोदी जी को इस चीज के लिए बोला जाएगा कि इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिए तो ज्यादा अच्छा है। राष्ट्रीय पर्व, हाँ, इसको घोषित करने के लिए ये बोला जाए ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे कि ये सब चीज। घर में 3 दिन छठ होना चाहिए, 3 दिन छुट्टी होना चाहिए। आज क्या क्या बनेगा प्रसाद? आज बनेगा कद्दू और अरवा चावल और चने दाल का हम लोग बनाएंगे, जाएंगे यहाँ से। हाँ। मिलके प्रसाद खाएंगे, हम लोग नहाने आए हैं, नहाने के बाद घर जाएंगे तो चूल्हा पुजाई करेंगे। अच्छा। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो बनाएंगे प्रसाद सब मिलके। इसी घाट पे आना है? हाँ जी, इसी घाट पे आना है। हम तो खैर गांव चले जाएंगे, बाकी लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, आप क्यों चले जाएंगे? थोड़ा मेरा वहाँ मन्नत है, फैमिली है तो। अच्छा। वहाँ चल जाएंगे, मजबूरी है मेरा, जाना तो जाते नहीं। अच्छा। हम खुद छठ करते हैं यहाँ, मेरा कंटिन्यू क्लेटेड घाट से हम 5 साल छठ किए हैं घाट से जाके। देखिए पूरा परिवार कितना खुश है, एक बार छठ मैया का गीत जरा अगर गुनगुना देते कुछ, अगर 2 लाइन भी, तो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको और इस पल का लोगों को इंतजार, कोई भी गीत जो। हाँ, केला वाजे नहीं जरिए मेरा, लोग बड़ा गीत गाते हैं, आ जाइए। सुगा मेरा अरे जाना माया के बऊगा दले जूठिया, सुगा दले जूठिया जे मारा बोते नुका से, सुगा गिरे मोरू चा सुगा
ये मुरुचा सुगन्ये रोवेली भी ओगते छठी माया होई ना साह छठी मामा होई ना साह। प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की जय। देखिए ये छठ पूजा कहीं ना कहीं अब देश और विदेशों में तो मना ही जाता है, लेकिन बिहार की एक संस्कृति है और बिहार की संस्कृति तो देखिए कहीं ना कहीं ये छठ पूजा को लेकर जो गीत है वो अगर छठ में गीत ना हो तो कहीं ना कहीं छठ पूजा अधूरा रह जाता है। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त गंगा घाटों की, जहां पर छठ व्रती जो है वो गंगा स्नान में किस तरीके से डुबकियां लगा रही हैं। आस्था की डुबकी लगनी शुरू हो गई है और लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया। हमने आपको जो छठ व्रती थे उनसे गीत के माध्यम से भी छठ पूजा को लेकर जो है गीते भी सुनवाई, और अब देखिए किस तरीके से लोग जो है गंगा के किनारे पूजा पाठ कर रहे हैं और सीधा अपने घर जाएंगे और कद्दू भात बनाकर जो प्रसाद है वो परिवार के बीच जो है वो प्रसाद खाएंगे और वितरण करेंगे। तो इस वक्त जो है गंगा घाटों पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोक आस्था का महापर्व नहा खाए से शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो है कल यानी खरना होगा और खरने के बाद जो है कह सकते हैं कि संध्या अर्घ होगा और संध्या अर्घ के बाद जो है उगते हुए सूर्य को प्रणाम करेंगे और अर्घ देंगे छठ व्रती और उसके बाद छठ जो है समापन हो जाएगा। तो 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो कल से शुरू होगा और ऐसे में लोक आस्था से जुड़ी हुई, लोक आस्था महापर्व छठ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंचाता रहेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ में संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल पटना।